नमस्कार, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। और इस वक्त हम थोड़ी देर पहले जो है चूड़ामणि चौक से चले और हम कोशिश कर रहे हैं कि राम से जुड़ी उन कहानियों को, उन स्थानों को आपको दिखाएं जहां पर भगवान राम के निशान मिलते हैं। वैसे तो साक्ष के रूप में कई सारे करीब 491 साक्ष दिए गए हैं कि राम का जन्म यहीं हुआ था, अयोध्या में ही हुआ था। राम मंदिर के बारे में साक्ष दिए गए, लेकिन उस राम मंदिर के अलावा पूरी अयोध्या में भगवान राम के होने के सबूत मिलते हैं। कहानियों से जुड़े हुए जो भी स्थल हैं, हम उसकी तरफ रुख करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त देख सकते हैं नीरज जी हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, नीरज पांडे जी हैं, और ये हमें यहाँ के अयोध्या के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस वक्त देखिए मैं कहाँ पर हूँ। नीरज जी, आप ही बताएं। ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के हम जो लोग चल रहे हैं, आगे जो है राम वनगमन मार्ग है। हाँ। जो राम जी जो है वन के लिए निकले थे वो रास्ते में, बाकी हम लोग भरत कुंड के लिए प्रस्थान हैं, जहाँ भरत जी ने 14 साल तप किया था। जो है अभी हम लोग भरत कुंड की तरफ, हाँ, हम लोग भरत कुंड की तरफ चल रहे हैं। भरत कुंड के बारे में बता दो अपने दर्शकों को कि वो जगह है जहाँ पर भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, तब उस वक्त भरत जो उनके छोटे भाई थे, उन्होंने भी जंगल में जाने की बात स्वीकारी थी और कहा था कि वो महल में नहीं रहेंगे। तो जहाँ भरत रहे उसी जगह की तरफ हम जा रहे हैं। हाँ, तो हम वहाँ पे चल रहे हैं जहाँ भरत जी ने 14 साल जो है, जैसे राम जी ने वन में रह के जो है वो किया कि हम वन में रहेंगे, वैसे भरत जी ने भी 14 साल अपने महल में ना रह के, 14 साल जो उन्होंने घर से बाहर रह के और अयोध्या की सुरक्षा की को देखते हुए इतनी दूरी पे रहे कि अयोध्या की सुरक्षा वहाँ से कर सके हम, तो भरत जी के स्थान पे हम लोग चल रहे हैं। अभी अभी हमारे दर्शक ये देख पा रहे हैं कि अभी हम लोग रास्ते से गुजर, अभी हम लोग 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे चल रहे हैं जी। इसके आगे जब चलेंगे तो भरत कुंड जो है हम लोग पहुंचेंगे। अच्छा, हाँ। ये काफी सारी चीजें जो अभी टूटी फूटी सी लग रही हैं, क्या ये निर्माण की वजह? ये निर्माण चल रहा है, ये रोड की चौड़ीकरण चल रहा है, ये 4 लेन बन रहा है, 14 कोसी को 4 लेन का किया जा रहा है, तो इसलिए इसके यहाँ तोड़फोड़ चल रहा है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा, हाँ, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ, हालांकि हाँ। देखिए चारों तरफ, मैं चाहूंगा कि तस्वीरों को भी दिखाई दे कि चारों तरफ खेत ही खेत हैं, लेकिन अब जब सरकार इस पूरे कॉरिडोर को डेवलप करने में लगी है, हाँ। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि आज जहां पर आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, यकीनी तौर पर अब अगली बार जब हम आएंगे और शायद हम उस वक्त जब इसे कवर कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये खेत नहीं होंगे और चौड़ी चौड़ी रोड होंगी, चौड़ी चौड़ी सड़कें, मकान होंगे अच्छे अच्छे, यहाँ पे दुकान होगी, रोजगार होगा लोगों का। अच्छा अच्छा बिल्कुल। हाँ, तो अभी हम लोग कहाँ पर, अभी हम 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे चल रहे हैं। हाँ। अभी हम लोग भीखापुर में पहुंचे हैं। अच्छा, अभी हाँ। यहाँ से कितनी दूर और है? अभी यहाँ पे 10 किलोमीटर दूरी पे हम हैं, अभी 10 किलोमीटर यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे जो है भरत कुंड है। अच्छा, वहाँ पे हम लोग पहुंचेंगे जहाँ भरत जी ने जो है तप किया था 14 साल रह के। अच्छा, राम के आने का इंतजार वहीं से, वहीं पे उन्होंने किया था। अच्छा, मैं चाहूंगा कि इससे जुड़े भी जो प्रसंग हो नीरज जी, आप हमारे दर्शकों को बताते रहें ताकि जी, 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 वो इन चीजों को देखते रहें कि किस तरीके से यहाँ राम के जो होने के जो सबूत हैं वो यहाँ पर नजर आए हैं। राम के होने के सबूत जो है वो तो दिखता ही है, क्योंकि ऑलरेडी है जो है, उसमें देख बताना कुछ है नहीं, लोग जानते हैं हर चीज़ है, और पौराणिक चीज़ें हैं वो भरत कुंड में भी हैं, और यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूरी पे जो है श्रवण क्षेत्र है, जहाँ राजा दशरथ ने सबदेवी बाण मार के जो है श्रवण जी को जो है बाण मारा था, 40 किलोमीटर दूरी है। उसके बाद यहाँ से मखौड़ा स्थान है जहाँ पे पुत्रेष्ठि यज्ञ जो है दशा जी का हुआ था, तो ने किया था वो पुत्रेष्ठि, पुत्र प्राप्ति के लिए जो है उन्होंने, पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है कि वंश हमारा चले इसलिए जो उन्होंने किया था। हाँ। तो वहाँ पे यज्ञ किया था श्रृंगी ऋषि द्वारा, जो ने यज्ञ किया था। अच्छा, हाँ, श्रृंगी ऋषि का जो है समाधि स्थल यहाँ से करीब करीब 20-22 किलोमीटर दूरी पे है। अच्छा जी, तो वैसे पर तमाम जगहों पर जो है भगवान राम के जो होने के और पूरी रामायण के जो सबूत हैं वो यहाँ पर है। यहाँ पे है एक, यहाँ पे गुप्तार घाट है जहाँ भगवान ने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद, यहाँ से जनता से विदा लेने के बाद वहाँ उन्होंने जो है अपना जो है शरीर छोड़ा था, जो गुप्त हो गए उसी रास्ते से, जल के रास्ते से जो समाधि ले लिए थे, वो गुप्तार घाट है। गुप्तार जो आज कंपनी गार्डन भी है, पार्क भी है, डेवलप हो चुका है, वहाँ पे अच्छे अच्छे वो हैं, तो वहाँ पे रामचंद्र जी
ने जो है और सारे भाइयों ने और लोगों ने जो है समाधि स्थल ले लिया था, उसी रास्ते से अपना जो है गमन कर गए थे, स्वर्ग की तरफ चले गए थे। ये लेफ्ट लीजिएगा, ये लेफ्ट की तरफ जी। अब तो यहाँ पर काफी सड़कें और ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। जी जी तो जी, जी की सड़क जी, तो कम से कम दिख ही रही है। हाँ, फोर लेन की सड़कें दिख रही है, कार्य चल रहा है। क्योंकि कार्य जो है इतना जल्दी तो हो नहीं पाता, लंबा काम है तो कहाँ से इतना जल्दी हो सकता है। लेकिन फिर भी सरकार ने जितनी जल्दी समय में कार्य पूरा किया है, इतने समय में किसी अन्य सरकारों में काम नहीं पूरा हुआ। काम आता था, होता नहीं था, बट काम जो है नहीं हो पाता था। ये है, हम लोग पहुंच रहे हैं अचारी से के सगरा पहुंच रहे हैं। ये यहाँ चौराहा है, यहीं से अभी हम लोग जो है आगे जो है राइट ले लेंगे तो भरत कुंड की तरफ हम लोग चलेंगे। अच्छा, यहाँ से राइट, आगे चौराहे से दो रास्ते कटते हैं। एक राम वनगमन मार्ग जाता है, जिस रास्ते से भगवान राम जो है वन के लिए प्रस्थान किए थे। हाँ। और वहीं से दूसरा रास्ता जाता है, वो भरत कुंड को चला जाता है। अच्छा जी, तो अब हम भरत कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ जी, पर जी, जी। बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, अच्छी खासी जो लोगों की भीड़ है, आवागमन है, चौराहा है। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे साइड में मेडिकल कॉलेज है, राजसीधर राजा राज के मेडिकल कॉलेज है जो पास में है। यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं उससे मिली, यहीं से राइट ले लीजिए आप। यहीं से आगे थोड़ी दूर पे सूर्यकुंड है, थोड़ा सा जाने पे। हाँ। और बड़ा अच्छा है, सरकार ने भी बनाया है। हाँ। हाँ। हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग भरत कुंड चल रहे हैं सीधे इस चौराहे से होते हुए। हम लोग इधर से जो है राम वनगमन मार्ग, जिससे रामचंद्र जी जो है वन को प्रस्थान किए थे, यहाँ से यहीं से शुरू हुआ था उनका वनगमन मार्ग। जो इसी रास्ते से राम जी और अपने भाइयों के साथ जो है, और सुमंत्र जी लेके राम लक्ष्मण सीता और सुमंत्र जी और जनता जो है, जो भी लोग गए थे, कुछ संगम तक जो लोग गए थे, वो लोग इसी रास्ते से सब लोग गए थे। अच्छा, कौन से वाले संगम गए थे? वो प्रयागराज पहुंचे थे, ये इसी रास्ते से प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज पहुंचने के बाद जो है बाकी लोगों को वहां से छोड़ दिए थे। ये रास्ता पूरा इलाहाबाद तक जी 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 जी, ये रास्ता जाके आगे जो है, ये भी 4 लेन बनने वाला है जब भी शुरू हो जाए कंस्ट्रक्शन। और यहीं से 2 किलोमीटर दूरी पे एयरपोर्ट है। अच्छा, यहाँ से 2 किलोमीटर पर एयरपोर्ट है। जी जी, तो हमारे दर्शक ये देख पा रहे हैं कि अभी हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते से रामचंद्र जी राम वन को गए थे। जी, यही वो रास्ता है जिससे रामचंद्र जी वन को गए थे। यहाँ जो अयोध्या की जनता ने यहाँ तक जी जी, जी रास्ते से उन्हें वन जाने वन साथ में जा रहे थे, बट उन्होंने जो है रास्ते में रात में छोड़ दिया जो है। हाँ। और वहाँ से छोड़ गए क्योंकि जनता साथ में जा रही थी। उन्होंने प्रण किया था कि हम अकेले जो है वन जो पिता अपने पिता के वचनों को रखने के लिए उन्होंने जो है वन को प्रस्थान किया था। अच्छा, हाँ, हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उस देश में हैं, उस जगह पे हैं कि, और योगी मोदी जो है भगवान है, समझिए राम के वंशज है या राम ही हो, जो भी है हम कह नहीं सकते हैं। हाँ। जो है हम लोग भरत कुंड पहुंच रहे हैं, भरत कुंड अब हम लोग आ चुके हैं। हाँ। थोड़ी दूरी ये शमशान घाट है इधर। अच्छा, भरत कुंड में। हाँ। और ये नंदीग्राम के नाम से मशहूर है, भरत कुंड तो लोग कहते हैं। यहीं से ट्राइड ले लीजिए, ये नंदीग्राम था। हाँ, हाँ, नंदीग्राम के नाम से ये कुंड है यहाँ का, यहाँ लोग स्नान करते हैं। और हाँ, भरत कुंड ही कुंड ये है, आगे मंदिर आगे है, तो यहाँ लोग स्नान करते हैं। लोग गया जगन्नाथ जी जब जाते हैं यहाँ, हमारे यहाँ के लोग तो यहाँ अयोध्या में पहले आते हैं, उसके बाद यहाँ आते हैं, उसके बाद बनारस जाते हैं, फिर आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। पहला पड़ाव जो लोगों का पड़ता है गया जाने के लिए वो अयोध्या में पड़ता है। उसके दूसरा पड़ाव जो है, नहीं, पहला पड़ाव यहाँ पड़ता है, दूसरा पड़ाव जो अयोध्या में पड़ता है। पहले लोग भरत कुंड ही आते हैं गया जाने के लिए, उसके बाद जो है फिर कहीं जाते हैं। अच्छा जी, ये मान्यता है यहाँ की, ये है भरत कुंड की। जी, ये भरत कुंड है। यहाँ भी प्रशासन का पहरा जो है चुस्त और दुरुस्त है, प्रशासन जो है यहाँ भी लगा हुआ है। और इतनी साफ सफाई पहले नहीं रहती थी। हाँ। लेकिन अब जो है साफ सफाई यहाँ भी रहती है, इसको भी डेवलप कर रहे हैं। हाँ। कहीं गाड़ी लगाइए, ठीक है, आगे। तो देखिए, इस वक्त हम भरत कुंड के पास पहुंच चुके हैं। ये भरत कुंड है और यहाँ पर भी अयोध्या का जो लोगो है वो दिखाया गया है, बनाया गया है।
अब क्योंकि यहाँ पर भी ये भी अब मशहूर जगह होने वाली है, यहाँ पर भी लोग आने वाले हैं दर्शन पूजन के लिए, लोग आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर भी अयोध्या द लैंड ऑफ रामा यहाँ पर दिया गया है। छोटे छोटे व्यापारी काम, अब छोटे छोटे काम धंधे भी यहाँ पर जो है वो शुरू हो गए हैं, लोगों के लिए रोजगार का साधन बन गया है। तो देखिए अब लोग ये, अब देखिए आइए भरत कुंड है, ये कुंड है, दिखा दूं सबसे पहले, ये भरत कुंड है और इसके बारे में कुछ बताइए नीरज जी। यहाँ जो लोग गया जगन्नाथ जी जाते हैं तो वो लोग जो है सबसे पहले यहाँ आते हैं, उसके बाद जो है अयोध्या जाते हैं। ये वही जगह है ना, ये वही जगह जहाँ भरत जी ने जो है 14 साल जो है निवास किया था। अच्छा, तो ये यहाँ पर कहीं कोई उनके रहने वाने की कोई भी जगह रहने की मंदिर आगे है, कहाँ हनुमान आगे मंदिर आप यही रहने वाले हैं जी? अच्छा अच्छा, इधर इधर शूट कीजिए, इधर भी बताएंगे। और ये भरत जी की मंदिर आगे है, भरत जी का हनुमान जी का एकदम मिलाप हुआ है, आप जाके वहीं दर्शन करिए। तो कुंड की तरफ आ चुके हैं। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे, आपका क्या पहले नाम है बताइए? मनीष कुमार पांडे। अच्छा मनीष जी, ये बताइए कि अब क्या लगता है इधर एरिया का विकास हो जाए? अरे बहुत तगड़ा, बाबा जी आके जब पूरा खुद साख साख दर्शन दे दिए, बोला कि हाँ भरत कुंड को बना दिया जाएगा गुप्तार घाट सूर्य कुंड जैसा, पूरा एकदम उत्साहित है, उत्साहित बाबा जी, अब जान लो पूरा सेवा कर दे रहे हैं हमारे सबके लिए, हमारे सबका रोजगार बढ़ा दे रहे हैं। अच्छा, महंगी हो गई जमीन, बहुत महंगी हो गई, जान लो सोना भी खत्म है उसके आगे जितना ये है, ये हाँ ये जान लीजिए। अरे जहाँ साथ साथ भगवान रहने वाले हैं वहाँ तोलना हुए कौन, लेकिन लेकिन एक समय था कि इसको कोई पूछता नहीं। अरे भैया यहाँ एक समय था ना, ये जो तार दिख रहे हैं ना, पूरा ये सब तार ही रहता है जंगल पूरा, लेकिन धीरे 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 विकास होते होते बढ़िया विकास हो गया, धीरे धीरे विकास हो गया। लेकिन ये आप देख रहे ना, उस रोड पे देखते यहाँ पे सारी जमीन जान लो, किसो ये सारी जमीने जान लो बाबा जी कितने कहने घुमाओ क्योंकि दूसरे का हाथ नहीं लगा, बस मंदिर ही बनेगा भगवान का, जो छोटे से लेके बाद से लेके एकदम पूरे तगले मनवाएंगे वो। भगवान भरत जी ने जो है 14 साल निवास किया था, 14 वर्ष तपस्या किए थे भगवान राम के की अनुपस्थिति में। भरत ने यहीं पर देखे और यहाँ पर रामायण भी चल रही है, आइए मैं दिखाऊं, ये रामायण यहाँ पर देखिए पुरानी जो यहाँ 24 घंटे यहाँ पे जो है ये बीड़ी चलता रहता है, ये 24 घंटे जो है प्रसारण चलता रहता है, पुराने समय का प्रसारण जो है उस समय का त्रेता युग का प्रसारण जो है यहाँ चलता रहता है 24 घंटे। इन हवाओं में अभी भी सीताराम सीताराम की आवाज है वो गूंज रही है, किसी दिन यहाँ खाली नहीं रहेगा सीताराम। अगर आप पढ़ना चाहते हैं अनुमति दिया जाए, ये वो जगह है जहाँ पर हनुमान और भरत जी का मिलाप हुआ था। ये क्या है? चरण पादुका है ये, तो आपको बता दें कि ये वो जगह है जहाँ पर जब हनुमान जी जब लेके आ रहे तो यहाँ ये बाण मारा था, यही पे गिरे थे। नहीं, यहाँ से बाण मार सीधा ले जाके वहाँ लक्ष्मण जी के लिए, नहीं नहीं, जब यहाँ पे बाण मार के गिराए थे जब वो लेके आ रहे थे अयोध्या रास्ते से, तो यही पे गिरे थे, यही पे मिलाप हुआ था भरत जी का और हनुमान जी का जो है उस युद्ध के दौरान जो है यही पे मिलाप हुआ था। भरत और जब संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे दोड़ागिर पर्वत से, तो भरत जी ने देखा कि कोई जो है अयोध्या पे आक्रमण करने जा रहा है, तो भरत जी ने ऐसा बाण मारा यही इसमें बैठे बैठे, सैनिकों ने कहा कि जो है यहाँ पे आक्रमण होने जा रहा है, कोई आ रहा है दूत बाहर से आ रहा है बाहर से, तो भरत जी ने इसको देखते हुए जो है बाण मारा और हनुमान जी जो यहीं के गिरे मूर्छित हो गए। फिर उन्होंने थोड़ी देर राम राम कहा तो भरत जी को पश्चाताप हुआ कि अरे हमने ये क्या कर डाला, क्योंकि भरत जी को उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि रामचंद्र जी हमेशा भरत की
ही बड़ाई करते रहते। तो हनुमान जी के मन में आया कि जो है आज जो है जो रामचंद्र जी ऐसा कहते थे भरत भरत, आज हमारा साक्षात जो है मिलन हो गया। उन्होंने मिलन किया, उसके बाद जो है राम भरत जी ने कहा हम जो है आप मेरे बाण पे बैठ जाओ, मैं ऐसा बाण मारता हूँ कि अभी क्षण में आप पहुंच जाओगे। तो हनुमान जी ने कहा नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है, राम नाम ही काफी है, तो उसके आगे बाण की कोई आवश्यकता नहीं, हम पहुंच जाएंगे। तो फिर यहाँ से जो है मिलाप हुआ, उसके बाद जो है हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके जो है लंका के लिए प्रस्थान किए। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं वो मंदिर। देखिए अब हम आ चुके हैं भरत हनुमान मिलाप मंदिर में आ चुके हैं। ये देखिए भरत हनुमान का यहाँ मिलन हो रहा है और हम लोग अभी उसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर भगवान जो हनुमान थे और भरत जी थे उनका यहाँ मिलाप हुआ था। जब कहानी संजीवनी बूटी लेके जब जा रहे थे तब संजीवनी बूटी की कहानी ये है कि संजीवनी बूटी जब लेकर जा रहे थे हनुमान जी और ऊपर से जब अयोध्या से गुजरे तो उस वक्त भरत ने तीर बाण चलाया और जब भरत का बाण जो है हनुमान जी को लगा तब वो यहीं पर गिरे और जब उनके मुंह से तीर लगते ही राम निकला तब पहचान हुई कि ये हनुमान है और ये भगवान राम के सेवक हैं।